गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल मैं पाइपलाइन ट्रैक गया हुआ था और मेरी बॉडी अभी भी कह रही है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मेरा इरादा तो था कि आज सुबह 5 बजे निकलूँ, लेकिन क्योंकि कल रात मैं लेट पहुँचा था इस्लामाबाद आलमोस्ट कोई 10 बजे, और फिर खाना खाते, लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करते, ये सब काम करते मुझे 1 बज गए थे। तो 1 बजे सोने के बाद मैं खुद ही सुबह जल्दी नहीं उठा कि थोड़ा सा बॉडी को रेस्ट मिल जाए, क्योंकि आज हमारी थोड़ी सी लॉन्ग राइड है। और अब आपको बताते हैं कि आज हम लोग जा कहाँ रहे हैं। सो हमारा अब जो रोड ट्रिप स्टार्ट हो रहा है ये कश्मीर की तरफ है, और कश्मीर की इस दफ़ा हम दूसरी साइड एक्सप्लोर करेंगे। अभी इस टाइम मैं जा रहा हूँ मुजफ़्फ़राबाद, और मुजफ़्फ़राबाद से आगे आज हमने जाना है पीर चनासी। आज नाइट स्टे मुजफ़्फ़राबाद में ही होगा और कल फिर आगे एक और जगह निकलना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त रोड ट्रिप होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जो हमने एक्सप्लोर करनी है। अभी चलते हैं आगे किसी अच्छी सी लोकेशन पर बैठ कर नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं आगे। आज अगर यूनिवर्सिटी जाना होता तो 100% आज छुट्टी थी, लेकिन हमने बाइक राइड पर निकलना था, वो भी पहाड़ों की तरफ, तो पूरा दिन भी बाइक चला सकते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं पैशन। आप थके हुए भी हो फिर भी वो काम करने का दिल करता है। सो आज मेरी वही हालत है, एक्सट्रीम थकावट है लेकिन एक्सट्रीमली एक्साइटेड हूँ मैं जहाँ आप जा रहे हैं। फोरकास्ट जो है ना, इसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। अभी कल मैं चेक कर रहा था और 4 दिन थंडरस्टॉर्म शो कर रहा था, और इस टाइम बिल्कुल ब्राइट सनी डे है, लेकिन वैसे पहाड़ों में मौसम का भरोसा नहीं है। अभी धूप निकली हुई है, हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो रही हो, तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे ये मौसम अच्छा है भी और नहीं भी। अच्छा इसलिए है कि बिल्कुल स्मूथ राइड चलती है आपकी, और अच्छा इसलिए नहीं है कि हमें स्मूथ राइड चाहिए ही नहीं, थोड़ी सी एडवेंचर होनी चाहिए। जैसे हल्की सी बारिश हो, क्लाउडी वेदर हो, वो नज़ारे फिर देखने वाले होते हैं। दस पंद्रह किलोमीटर आगे चलते हैं और थोड़ी सी हाइट गेन कर लें, तो मौसम ऊपर थोड़ा और भी अच्छा होगा, तो वहाँ बैठकर नाश्ता करते हैं। अभी मैं लोअर टोपा पहुँचा, पीछे नाश्ते के लिए मैं एक दो जगह रुका था, एक जगह पर होटल ही बंद था और दूसरी जगह पर नाश्ता नहीं था, तो डायरेक्ट फिर मैं इधर ही आया, और यहाँ से आगे नहीं जा सकता था क्योंकि अब भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर एक हमें अच्छी लोकेशन मिली है जहाँ पर व्यू भी अच्छे हैं, तो यहाँ नाश्ता करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। आगे यहाँ से कोहाला है आई थिंक कोई 30 से 35 किलोमीटर, तो नेक्स्ट स्टॉप हम कोहाला मिलेंगे। हाँ, रास्ते में कोई अच्छा व्यू पॉइंट दिखा तो वहाँ रुकेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट स्टॉप हमारा फिर कोहाला में होगा। सो अभी करते हैं यहाँ बैठ के नाश्ता। कोहाला पुल 35 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद 70। चलें जी, नाश्ता हो गया हमारा। नाश्ता वैसे अच्छी जगह पर मिल गया था और नाश्ता भी अच्छा था, मज़ा आया। लास्ट टाइम कब आया था, 2014 में हम मुजफ़्फ़राबाद पहुंचे थे, और मुजफ़्फ़राबाद में अच्छी खासी गर्मी थी, और उसके बाद फिर हम आगे जब पीर चनासी गए तो वहाँ ऐसी सर्दी थी कि जैकेट में भी ठंड लग रही थी।
जब लास्ट ईयर में आया था तब भी मेरा प्लान था यहाँ आने का, और तब सीन क्या हुआ था कि ठंडियानी से वापसी पर बाइक की ब्रेक्स फेल हो गई थी, तो इस वजह से नहीं आ सका था। आज इंशाल्लाह हम जाएंगे पीर चिनासी। नाश्ते के बाद हमने कोई 20 किलोमीटर कर लिए और कोहाला यहाँ से जस्ट 15 किलोमीटर हो रहा है। वैसे जब से हम निकले हैं तब से लेकर अब तक डिसेंड ही चल रहा है। ऊपर मौसम बहुत ही आला था लेकिन यहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोई नहीं, जहाँ आगे हमने पीर चिनासी जाना है वो इस गर्मी को कवर कर देगा। ये है सामने कोहाला ब्रिज, इसे क्रॉस करते ही हम एंटर हो जाएंगे कश्मीर में। और इस तरफ नीचे क्या है, नीलम पॉइंट। नीलम पॉइंट चल के देखते हैं पहले। तो ये है नीलम पॉइंट। अभी धूप है, गर्मी है, दिल नहीं कर रहा है यहाँ बैठने का। चलते हैं आगे, चलते हैं। वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। पाक 62, मुजफ्फराबाद 35, नीलम 130। तो इस टाइम हम अब कश्मीर में एंटर हो चुके हैं। ये जगह मुझे ऐसे बिल्कुल वो किवाई की तरह लग रही थी। पूरे रास्ते में वेट कर रहा था कि कहीं कोई अच्छा व्यू पॉइंट आए तो वहाँ बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स करें, कुछ लाइट सा खाएं पिए, तो कोई ऐसा व्यू पॉइंट नहीं आ रहा है। एक व्यू पॉइंट आया है अभी और बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट था, लेकिन उसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि वहाँ डायरेक्ट बाइक से या पैदल चल के नहीं जा सकते, वहाँ लिफ्ट के जरिए जाना पड़ता है। और लिफ्ट भी जो लोकल लिफ्ट में क्या डोली लिफ्ट कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, उसके थ्रू आप वहाँ जा सकते थे, तो इसलिए फिर मैं वहाँ नहीं गया। बाकी मुजफ्फराबाद भी जस्ट 15 किलोमीटर रह गए, तो देखते हैं अगर रास्ते में कोई और व्यू पॉइंट आता है तो वहाँ रुकेंगे,
वरना डायरेक्ट आप मुजफ्फराबाद जाके रुकेंगे। वेलकम टू मुजफ्फराबाद। टी सी और झेलम वैली, नीलम वैली, फिर चनासी किधर है? पीर चनासी किस तरफ? चनासी के गोल चौक है ना? हाँ। यहाँ से क्रॉस करके नहीं, ब्रिज के नीचे से। अच्छा। आगे का इंडिया का ब्रिज आएगा। ठीक है। वो क्रॉस करते इसी तरह का आगे गोल चौक है, वहाँ से आपने राइट साइड जाना है। ठीक। फिर आगे लेफ्ट राइट कहीं नहीं लेना, आगे साइड पे बोर्ड लगे हुए हैं। ठीक हो। और ये आ गए ब्रिज के नीचे, उसके आगे क्या बताया उसने यार। वैसे कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है सिटी का। ये है पीर चनासी रोड। कितना है यहाँ से? 27 किलोमीटर। मुजफ्फराबाद हम पहुंच गए थे और इस टाइम हम मौजूद हैं पीर चनासी रोड पर। यहाँ से पीर चनासी है कोई 25 किलोमीटर। जैसा लग रहा है कि वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। पीर चनासी को हमने डिटेल में कवर करना है तो टाइम हमारे पास बहुत है। अभी 12:30 हो रहे हैं तो आराम सुकून से जाएंगे, वहाँ जाके रिलैक्स करेंगे और शाम में वापस आएंगे। उम्मीद है ऊपर जाकर हमें मौसम भी अच्छा मिलेगा, टेम्परेचर भी काफ़ी चेंज होगा। पीर चनासी जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।